अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादी अलियम मज़हर अल अजाइब, तजिदहु औनन लका फिन नवाइब, कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियन बे अलियन बे अली। करबलाए मौला, आपके दिलों की हसरत, अरबईन की ज़ियारत, आपके दिलों की चाहत, आपके ईमान की अलामत। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें कि अरबईन के रास्ते आपके लिए खुल जाएँ और आप करबलाए मौला में हों। आएँ सलाम पेश करते हैं मौला से मांगने की नीयत से। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدات نساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا حجاب الزينب السلام عليك يا باب الحوائج السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته करबलाए मौला की पाक सरज़मीन पर आपकी खिदमत आलिया के अंदर खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। ये ज़िंदगी आनी जानी है, करबला जाविदानी है। इंसान हमेशा ऐसे लोगों से, ऐसे मकाम से, ऐसी शख्सियात से, ऐसी ज़ात से इर्तिबात पैदा करना चाहता है जिसके अंदर कोई बुजुर्गवारी हो, किसी भी अंदाज़ के अंदर बुजुर्गवारी हो, चाहे वो बुजुर्गवारी उसकी ज़ात के अंदर हो, उसके रुतबे के अंदर हो, चाहे उसके ओहदे के अंदर हो, चाहे उसके इख्तियारात के अंदर हो। इंसान बुज़ुर्गों का दामन पकड़ता नज़र आता है, बुज़ुर्गों का हाथ थामता नज़र आता है, बुज़ुर्गों की पैरवी करता नज़र आता है। ये बुज़ुर्गवारी उसके जहन की एक
तख्लीक भी हो सकती है कि जिसमें वो बुजुर्गवारी किसी ऐसी चीज़ को बुजुर्गवारी समझे जो कि बुजुर्गवारी ना हो, लेकिन हकीकत बुजुर्गवारी वो है जो अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। बुजुर्गवारी ये है कि दीन की फहम व फरासत हो, दीन की मार्फत हो, दीन से इतना मरबूत हो जाए इंसान के लोग उसका नाम सुने और दीन याद आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं दीन अस्त हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने दीन से मरबूत हैं के दीन हो गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ाते अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए दीन है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चंद जिहाद से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखते हैं। चंद मरतबा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, सबसे बड़ी निस्बत ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से ऐसा मरबूत करके बयान किया कि लोग हैरान हैं ये किस तरीके से है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आएगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करेगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन के साथ जाएगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन की हमराही करेगा, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन को अपना पैरोकार पेशवा रहनुमा लीडर राहबर रहनुमा जो कुछ मानेगा, वो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशकारा जंग का ऐलान करता है। लिहाजा हम हमेशा ऐसे बुजुर्गवारों का दामन पकड़े हुए हैं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस से निस्बत दी है, और वो हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने चंद मोहरें, चंद मकामात, चंद निस्बतें, चंद ओहदे, चंद रुतबे, बल्कि हकीकत रुतबा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से, क्योंकि कायनात के अंदर कोई वली वली नहीं बनता जब तक कि इनकी दर की गली के ऊपर आके भीख न मांग ले। कोई शख्स भी कोई बड़ा रुतबा हासिल नहीं कर सकता जब तक कि इनके दर का गदा गर ना हो जाए। इनकी गदागरी जो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम, रुतबा, शोबा यकीनन हमारे लिए बहुत ही बुलंद है। लिहाजा आप जानते हैं कि आज का दिन, जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चार सफ़रुल हुज़्न है, सफ़र की चार तारीख है आज, और आज जिस तरीके से आप ये भी जानते हैं 22 सितंबर है, मंगल का दिन है, शब चहारशंबा, बुध की रात लगती चली जा रही है। इस रात के अंदर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से तवसुल करने की नीयत से रोज़ा हाय मुकद्दसात मासूमीन अलैहिस्सलाम पर दुआए तवसुल पढ़ी जाती है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तवसुल वैसे भी हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे मौला हैं, हर चीज़ पर औला हैं, इसीलिए वह हमारे मौला हैं। और ये हमने मौला नहीं बनाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मज़हब, हर अकीदे की कुतुब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को अपना वसी जानशीन बयान फरमाया है। लिहाजा हमारे लिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना लाजिम और मुहिम है। और आप जानते हैं कि करबलाए मौला के अंदर आने के लिए लोग बड़े बेचैन हैं, काफ़ी सारे दोस्तान रोज़ाना पूछ रहे हैं कि कब ये वीज़े खुलेंगे। बहरहाल मुख्तलिफ़ खबरें, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ बयानात लोगों के सामने आ रहे हैं। दुआ गो हूँ कि ये वीज़े खुल जाएँ और आप जल्द करबलाए मौला आ सकें। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जिस भी तरीके से पहुँचें आप, मौला आपकी गैबी मदद कराएं और आप करबलाए मौला में आ जाएं, क्योंकि फरिश्ते भी आते हैं यहाँ पे, जिन भी आते हैं, हर शय, हर ज़ात जो के ईमान और हक्कानियत को कबूल करती है वो करबलाए मौला ज़रूर आती है। अंबिया आए यहाँ पे, औसिया आए यहाँ पे, अरवाह आती हैं शब जुम्मा को, और आने के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं। हमारे पास जिस तरीके से आप जानते हैं कि ये मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मेरे पास वक्त हाथ आ गया है, तो मैं उसमें से दोबारा बयान कर दूं। दोस्तान कई बार पूछ चुके हैं कि ये प्रोग्राम आपका हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी देख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की फेसबुक है, उसके ज़रिए से भी आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये यूट्यूब पर भी बाकायदा टीवी के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ करेगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान अंसार हुसैन साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली अलैहि सलाम मदद। मौला का
मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं? जी जी सर, आ रही। मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ हम तक आ रही। बिस्मिल्लाह। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आप मदऊ हैं। करबलाए मौला बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। खुशाबहाल शुमा खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करें। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारे दिलों को तस्कीन पहुँचाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के चैन ने अली के नूर ऐन ने खुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। और हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफा के नाम पर, रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर। दीन के असास ने दस्त हक शनास ने उम्मत मुहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, दीन को बचा लिया। आत्मा के चैन ने अली के नूर ऐन ने खुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। हर तरफ से बंद हो चुके थे हाथ रास्ते, खून मांगता था दीन जिंदगी के वास्ते। के असूल ने नाइबे रसूल ने जिंदगी का कर्ज अपने खून से चुका दिया, दीन को बचा लिया। के चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। और अमीर शाम बन गया था सांप आस्तीन का, रवि के सर पे रख रहा था ताज दीन का। और बादशाह दीन ने बोरिया नशीन ने आरज़ूए उस रवि को खाक में मिला दिया, दीन को बचा लिया। आत्मा के चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी, गुनाह मुस्तकीम से भटक न जाए आदमी। और शाह कृष्ण काम ने वक्त के इमाम ने हक की राह पर लहू से एक दिया जला दिया, दीन को बता लिया। माँ के चैन ने
अली के नूर ऐन बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया और हल्क गए से जुल्म की कमान तोड़ दी, शेर गुरु से खंजरों की धार मोड़ दी। नाज से हयात ने और फख्र कायनात ने सर कटा के आदमी का सर बुलंद कर दिया, दीन को बचा लिया। आत्मा के चैन ने अली के नूर ऐन ने खुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। और पढ़ते पढ़ते बात जब उसूल दीन पे आ गई और यजीदियत की शक्ल में बुरोज पा गई, पढ़ के फिर दिलेर ने शेर हक शेर ने दोपहर में तख्त ताज कसर शाम उठा दिया, दीन को बचा लिया। आत्मा के चैन ने अली के नूर ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज जरा के वाले थे बिस्मिल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم जहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। जहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। सोने की है दौलत दे कई इस गम की हिफाजत करना है, शबीर के खातिर जीना है, शबीर के खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है। जहरा की तमन्ना पूरी गो, ये जान रहे या मिट जाए। जहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। इस परचम की अजमत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले, इस परचम की इज्जत के लिए आजी ने सहे दिल पर भाले। इस पर चमके मशकी जैसे लिपटे हैं सकीना के नाले, आपास अली का परचम है, ये पर चमके से झुक जाए।
सहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए जब तक ये सकत है। अब अपना अदा कर देना है, इस माँ हम जो सादात, इस हम को जान फिदा कर देना है। या इश्क से या खूने दिल से, इस दामन को भर देना है। आई है यहाँ एक शहजादी, उम्मीद का दामन फैलाए। सहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कलाम मौला हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी मतलब आपकी बच्चे भाई का तौफीकात कलाम में, था, अली रिजवी मौला आपकी था, तौफीकात में इजाफा और फरमाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ हैं। तो आप पढ़ना चाह रहे हैं? ठीक है जी, वक्त है आपके लिए, बिस्मिल्लाह क्या कीजिए, आगा वक्त है आपके लिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़ लीजिए। जी जी आगे अभी मसाइब के वो सलाम के चंद अशआर आपकी समाअत पे नजर करना चाहेंगे, बिस्मिल्लाह, इजाजत है आगा। इनायत हो जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुसैन जाता है, मरने को ऐ मेरी ज़ैना, अब वक्त आखरी देना। तुम पे बाबा की लाडली जैनब, जैनब ने कहा कौन गे देश में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, भैया है यादा के भैया, सबको हर एक मोड़ पर तड़पाएगी दुनिया, यादा के भैया। आवाज आ रही है आपको? बिस्मिल्लाह जी, पढ़ते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। याद आओगे भैया, बुर्बाद
आपके होगा मेरी गुर्बत उस वक्त गरीबी भी करे कि मेरा मातम और सातात को जब हमें देंगे कोई सदका याद आओगे भैया याद आओगे भैया और याद आएगा भैया मुझे फरमान तुम्हारा और तुम भूल नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा दावत को शादी की मदीने में जो देगा याद आओगे भैया हाय याद आओगे भैया और इस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियाँ थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान और शाबान की जब चांद को देखेगी ये बहना याद आओगे भैया याद आओगे भैया सैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया है याद आओगे भैया और इतना था ख्याल आपका ईदे का बरादर अरे ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लाहत पर अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया याद आओगे भैया हाय याद आओगे भैया और दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने हाँ शाम के सरदान में आओगे सुलाने और सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना याद आओगे भैया है याद आओगे भैया वाला आपकी तौफीक हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भाई
मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा अंदाज, एक कदीमी तरीक़ेकार जो कि मोहब्बत से भरा और अकीदत से भरा आपने पेश किया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। यकीन जानिए जी चाहता है आप पढ़ते रहें, मैं सुनता रहूं। यकीनन सुनने वालों की कैफियत ऐसी ही होनी चाहिए। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है ही ऐसी कि जिस जहाँ से बयान हो, जिस अंदाज में बयान हो, इंसान का दिल झुक जाता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ। मौला आपको सदाबाद रखें, शाद रखें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। जल्द कर बलाए मौला कर बारगाह अक़दस मासूम अलैहिस्सलाम में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करना नसीब हो। ये थे हमारे साथ नोहा खान अंसर हुसैन कराची से, अंजुमन अंसारान अहले बैत अलैहिस्सलाम सालार फैज़ असलम के साथ। खुदावंद मुतालिन की तौफ़ी का में इजाफ़ा फरमाएं। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं आज नोहा खान सैयद असद जाफरी साहब, साहिब ब्याज अंजुमन गुलामान हुर अलैहिस्सलाम कराची से। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, नोहा खान शहबाज अली साहब करबलाई लखनऊ इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। आपको या मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, सदाबाद रहें। बारगाह अक़दस मासूम अलैहिस्सलाम में आपकी आवाज़ गूंज रही है। बैनुल हरमैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का दरमियानी इलाका, चाहूँगा आप अपना वक्त खुद इस्तेमाल कीजिए। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर ज़िक्र पेश करना यकीनन एक बहुत बड़ा शरफ है, और साथ ही यकीनन बहुत खलूस के साथ बारगाह अक़दस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। इत्तफाकन कभी कोई मजबूरी आपको हो जाए और आप समझे कि आप उस दिन हाजिर नहीं हो सकते, तो आप हमें एक दिन पहले या कम अज़ कम 7-8 घंटे पहले हमें बता दिया कीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए शहबाज भाई, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी सकीना, आवाज़ आ रही मेरी? बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी मैं सुन रहा हूँ। कहाँ हो मुझको सदा दो, जा रही है तेरी सकीना। कहाँ हो मुझको सदा दो, जा रही है तेरी सकीना। तेरे में जीना सकूंगी, धूल तुमसे ना सकूंगी, एक पल भी तू रुबा। जब आज तक मैं तुमसे नहीं था, बाबा बुला लो सीने लगा लो, जार ठीक है तेरी सकीना। बीबी ने अपने बाबा का सर गोद में रखकर क्या कह रही है, कैद खाना मेरा मुकद्दर, फुफियों की छीनी गई सर से चादर, हाय यतीमा कहते हैं उसको जिसका पिदर ओ शाह मदीना। बाबा कहाँ हो मुझको सदा दो, जा रही है तेरी सकीना। 4 साल की शहजादी, क्या क्या गम नहीं देखा है, तसव्वुर कीजिए जरा।
जा रही है तेरी सकीना शहबाज की है यही इल्तिजा भी कर यही एक दुआ भी नौखा सुनाए नौखा जब का महीना हवा बुला लो सीने लगा बाबा बुला मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करें। बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा अंदाज़, बहुत प्यारा बयान। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। मौला आपको जल्द करबला मौला लेकर आएँ और बारगाह अक़दस मासूम अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश करने का शरफ़ नसीब हो। जब भी करबला आया करें, हमारे मेहमानों सब की खिदमत में भी अर्ज़ है, आपकी खिदमत में भी यही अर्ज़ है। जब भी आप करबला मौला आया करें, हमारे से इर्तबात में रहा कीजिए। जैसे ही आपका प्रोग्राम कन्फर्म हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लाइव प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर दावत दे सकें, ताकि आप अपना मोहब्बत का पैगाम बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से लाइव अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, मेहरबानों, कदरदानों तक पहुँचा सकें। यकीनन माओं का बहुत बड़ा मकाम है करबला में, और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की एक माँ हैं जिनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा है। बीबी की शहादत की मुख्तलिफ तवारीख, सात जिस तरीके से इराक़ के अंदर और ईरान के अंदर पाँच सफ़रुल हुज़्न को बीबी मासूमा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मनाई जाती है, और पाक हिंद के अंदर जिस तरीके से सफ़र के दरमियानी एरिए के अंदर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मनाई जाती है। बहरहाल बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा रुतबा है, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए जितनी भी तारीफ़ात की जाएँ अपने बाबा से मोहब्बत के एतबार से और बाबा के पैगाम को एक ख़ास अंदाज में जो पहुँचाने का बीबी ने एक शोबा अपने ज़िम्मे लिया, यकीनन करबला के लिए एक ख़ास माना रखता है। लिहाजा वो दोस्त अजीज़ उन सब के लिए ये इस प्रोग्राम के अश्क ज़िक्र, जो जो दोस्त बीमार हैं खुदावंद मुताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दें, खुसूसन मेरी वालदा साहिबा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो बीमार हैं, खुदावंद मुताला हम सबको ज़ाहरी बातनी बीमारियों से शिफा अता फ़रमाएँ, हुज्जत खुदा से दूरी वाली बीमारी से भी हमें नजात अता फ़रमाएँ। जब भी करबला मौला आइए, ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पकड़ के ज़रूर कहिएगा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज।